मिल गया जवाब, देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। ये वजह है कि मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। हमारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। इच्छा तुम इच्छाधारी नागिन? ए संतोषी, इसे सितारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा कहाँ हो तुम? बब्बल जी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी बब्बल जी, ये सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई, नागिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलत फहमियाँ हैं, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बब्बल जी, भले ही मैं नागिन हूं, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर दिया है ना। इच्छा जो झूठ की नींव में खड़ा होता है, उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा, मैं समझता था कि झूठ धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीख ली क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बल जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो। इच्छा, तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने, इच्छा तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं,
मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, झूठ की बुनियाद पर जोड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही नहीं क्या? और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते। आप मेरी बात तो सुनिए बब्बल जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर में एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ बस। इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इच्छा, अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म। मेरे पिताजी आपके घर पर हैं, क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इच्छाधारी नागिन, वो दोनों भाग गए। देवी जी, इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ, अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठा कर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही, वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई, लेकिन लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है, और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं।
पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप चलिए, मैं भी आई। जा रही हूँ मैं बब्बल जी, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, भाजी, पिताजी, नहीं मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू यहाँ वापस आ गई है मुखिया जी।
हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई, लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी, शेषु की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा, नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है, नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी? हे नागोमी देव, मैं इच्छा, शेषु सिपली की सब बोली, आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा, नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है, तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा, अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत, मेरी और बब्बल जी की मौत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।